जमहूरियत में पार्टी क़यादत का कोई किरदार नहीं होता, फैसले पार्टी करती है, क़यादत नहीं। कोई ऊपर से अपने फैसले लाकर नाफिज नहीं कर सकता। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। फारूक अशनाइक ने कहा कि वोट इनफरादी हो तो राय शुमारी खुफिया हो सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि किसी जमात को 8 की बजाय 2 नशस्तें मिली तो क्या ये मैंडेट के मुताबिक होगा। समाअत जारी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से कराने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। दरख्वास्त है कि अदालत सियासी मसले में ना आए। इमरान खान को रिलीफ मिला तो आवाम उसे जानिबदार फैसला समझेंगे। मरियम नवाज शरीफ की मीडिया गुफ्तगु। मजीद बोली, डेस्का में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन नहीं, पूरे हल्के में रीपोलिंग कराई जाए। अमन के लिए भारत को पेशकश की मगर बात न बनी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोलंबो में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। खित्ते में गुरबत के खात्मे के लिए यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर तजारती ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की श्रीलंकन बिजनेस कम्युनिटी को सीपैक में शमूलियत की दावत। खेल मुकाबला करने और सीखने का सबक देता है। सियासत में आए तो 14 साल तक मजाक उड़ाया गया, शिकस्तों से सीख कर यहाँ तक पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोलंबो में वजारत खेल की तकरीब में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की श्रीलंकन सदर से मुलाकात, मुआशी पार्टनरशिप बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंकन हमनसब और सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, ऐलामिया जारी। श्रीलंकन क़यादत से बातचीत इंतहाई मुफीद। दो तरफा तजारत और सरमाकारी में इजाफे पर इतफाक हुआ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगु। तिबी शोबे में श्रीलंकन तलबा को 100% वज़ाइफ देंगे। मुशीर तजारत अब्दुलरज़ाक दाऊद बोले, वजीर आज़म के दौरे और मुलाकातों से दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के नए मौके पैदा होंगे। सेनेट इलेक्शन से कबल एक और अहम मुलाकात। यूसुफ रजा गैलानी शहबाज शरीफ से मिलने एहतसाब अदालत जा पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम उमूर पर मुशावरत। लीगी सदर ने यूसुफ रजा गैलानी को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। मीडिया से गुफ्तगु में यूसुफ रजा गैलानी बोले, PDM की कामयाबी आवाम और जमहूरियत की कामयाबी है, फतह हमारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा लिस्टें जारी कर दी। पंजाब से सेनेट की 11 नशस्तों के लिए 22 उम्मीदवार मैदान में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा की 12 नशस्तों पर 41 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। बलूचिस्तान में 36 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त आवेजा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे में तरक्याती स्कीम्स पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म दे दिया। कहा, तरक्याती स्कीमों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 191 अरब रुपए तरक्याती फंड्स की मद में जारी कर चुके। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुकर्रर करदा अहदाफ को हर सूरत हासिल किया जाएगा। अक्वामे मुत्तहिदा ने तवानाई के लिए आलमी चैंपियंस का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भी आलमी चैंपियंस करार दिए गए 21 रुकनी ममालिक की फहरिस्त में शामिल। तमाम ममालिक अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम आलमी तवानाई मुज़ाकरे का हिस्सा होंगे। मुज़ाकरा सितंबर में होगा। PSL की रंगीनियां जारी, आज एक मैच खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें शाम 7 बजे मद्दे मुकाबल होंगी। दोनों टीम्स ने अपने पहले मैच में फतह हासिल की थी। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। और क्रिस गेल के गुगली चैलेंज पर हसन अली का अनोखा जवाब। कौमी क्रिकेटर हसन अली ने डांस की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 10 सेकंड्स की वीडियो शाकी ने क्रिकेट को खूब भाई।
poverty in our country would be, I began to realize that in a country of right now 220 million people, the only way you can help the majority of the poor people is if you build a welfare state. And so that was the motivation. And today I must say, I had a very good conversation with the president because I realized that he also was motivated by poverty alleviation. And so the current problem in Pakistan which we face is food inflation. And so we were discussing how to bring down the prices of food items. And so we came up, he told me how he went to China and he actually visited various farms from where he discovered that how the Chinese had, how they had reduced the gap between the wholesale and the retail. So previously, and in our country right now, what the farmers produce and what that producer sold in the retail shops, there's a huge gap. And so the Chinese reduced that gap through technology. And so I thank the president because I'm immediately going to go back and bring in technology to reduce this gap. The other way we can reduce poverty is through investment, is through promoting profitability, business. And so that's my second emphasis right now. We have completely changed our policies in Pakistan, which have sadly been there for almost 40 years, where the whole government structure, the bureaucratic structure, evolved such that it was an impediment in the way of investment and the business community. So this whole mindset we have been trying to change in the last 2 years and removing all the impediments, which translates into the expression ease of doing business. And we have really improved 28 spots. We've come down, our ease of doing business has improved according to the World Bank. And so the whole idea is that we generate wealth, and from that wealth, we can then spend on the bottom half of our population and lift them up from poverty, which is actually what China did. And China, I must say, one thing I admire about them is that no country in human history has ever taken out almost 700 million people out of poverty in 30 to 35 years. It's never been done before.